हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर नेक्स्ट पीडीएफ वीडियो ऑफ क्लास सेवेंथ हिस्ट्री चैप्टर थर्ड द दिल्ली सुल्तान्स। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट दिल्ली सुल्तान्स, द डिफरेंट डायनास्टीज हु रूल्ड ओवर दिल्ली, स्पेशली द फाइव दिल्ली सुल्तनत्स। एंड after that we discuss about some of the examples of women rulers of different states, and we also knew about the differences on the basis of birth rights and gender extensions. And now today's topic, we will see the topic from garrison town to empire, the expansion of the Delhi Sultanate. It means that garrison means hota hai a fortified settlement with soldiers, arthat ek aisa kile band nagar jahan par sainik wagera rehte hain, theek hai, yani isko aap keh sakte hain sainya nagar। तो फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, अर्थात सैन्य नगरों से साम्राज्य तक, एम्पायर का मतलब साम्राज्य होता है, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, ठीक है। अब आइए जानते हैं, वी विल सी द मैप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप का अगर हम मानचित्र देखें तो इसमें पाएंगे दिस मैप शोज द मेजर सिटीज कैप्चर्ड बाय शमसुद्दीन इल्तुतमिश, अर्थात 13 सेंचुरी में जो अर्ली तुर्की रूलर थे तो उनके द्वारा जो भारत के प्रमुख जो शहर थे जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा जमाया, जैसे कि लाहौर, जैसे कि आपका उच्च हो गया, मुल्तान हो गया, दिल्ली, अवध, ये कुछ प्रमुख नगर थे और प्रॉस्परस सिटीज थे जिनके ऊपर इन्होंने अपना कंट्रोल किया हुआ था। अब आइए आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक चीज इसमें जानने वाली बात है कि 13 सेंचुरी के समय दिल्ली जो था उसके ऊपर जो उनके जो शासक थे, जो सुल्तान थे, उनका अधिकार एक निश्चित और किलेबंद नगर के तक ही सीमित था। अर्थात दिल्ली जो था एक किलेबंद नगर के रूप में ही ज़्यादा जाना जाता था, बिकॉज दिल्ली वॉज रेयरली वेंट बियॉन्ड हैवली फोर्टिफाइड टाउन्स। दूसरी बात ये थी कि दिल्ली जो थी अपनी सीमा के बाहर उसका कोई बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं था। तो दिल्ली द सुल्तान्स सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड्स, और जो सुल्तान थे वो प्रायः हिंटरलैंड्स वो द एडजेसेंट लैंड विच लोकेटेड नियर द मेन सिटी, अर्थात हिंटरलैंड वो होते हैं जो प्रमुख शहर से सटे हुए कस्बे या एरियाज होते हैं। तो प्रायः ऐसे एरियाज पे सुल्तान अपना कंट्रोल करते थे और उन जगहों पर वो अक्सर व्यापार या उनसे तोहफे वगैरह, ट्रिब्यूट वगैरह या लूट वगैरह करके अपना कार्य चलाते थे। इस प्रकार से गैरिसन टाउन्स पे कंट्रोल करके जो कुछ दूर के नगर थे दिल्ली से, जैसे कि अगर बात करें ईस्ट में तो बंगाल, और अगर वेस्ट में बात करें तो सिंध, ये कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पर गैरिसन टाउन से कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल था। प्रायः ऐसे जगहों पर चूंकि मेन कंट्रोल राजा का या सुल्तान का नहीं होता था, इसलिए प्रायः यहाँ पर रेविलियन वॉर होते रहते थे, यानी विद्रोही हमेशा सल्तनत के खिलाफ विद्रोह करते थे। और कई बार बैड वेदर भी एक मुश्किल खड़ी करता था उन 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 रास्तों पर संपर्क करने में या उन उन शहरों से संपर्क करने में। दिल्ली अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज बाई मंगोल इन्वेजन्स फ्राम अफगानिस्तान एंड बाई गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ सुल्तान्स वीकनेस। यानी तुर्की सुल्तान्स के लिए एक और मुसीबत ये थी कि प्रायः मंगोल जो आक्रमणकारी थे अफगानिस्तान की ओर से, और जो लोकल रिविलियंस थे, अर्थात जो क्षेत्रीय विद्रोही थे, वो
सुल्तान की कमजोरी का लाभ उठा करके वो इनके ऊपर हमले कर देते थे। सल्तनत बेयरली सर्वाइव दिस चैलेंजेस, और सल्तनत मुश्किल से ही इन मुसीबतों का सामना, इन चुनौतियों का सामना कर पाती थी। इट्स कंसोलिडेशन अकर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गयासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। आगे चल करके ये जो क्षेत्र था दिल्ली, जो सल्तनत था, वो गयासुद्दीन बलबन और उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के नेतृत्व में कुछ समय तक आगे बढ़ा। अब यहाँ पर एक चीज़ हम जानेंगे, द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन अलॉन्ग इंटरनल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन। दिल्ली की भीतरी सीमाओं को और मजबूत करने के लिए और अपने सल्तनत को और शक्ति प्रदान करने के लिए जो सुल्तान थे, उन्होंने जो भीतरी प्रदेश थे और सैन्य छावनियाँ थी, सैन्य नगर थे, उनको मजबूत करने का प्रयास किया। और इस प्रकार के कैंपेन में उन्होंने जो गंगा यमुना दुआब जो था, दुआब के बारे में हम बात कर चुके हैं, जहाँ जब जो दो नदियाँ होती हैं, दो नदियों के बीच का जो इलाका होता है उसको दुआब कहते हैं। तो उन नदियों के आसपास पाए जाने वाले जंगलों को साफ किया। इसके अलावा जो हंटर गैदरर्स और पेस्टोरिस्ट थे, अर्थात जो चरवाहे थे या जो पशु संग्राहक थे, शिकारी थे, उनको जंगलों से या उनके जो निवास स्थान थे उनसे उनको हटा दिया गया। अब आगे बढ़ेंगे। दिस लैंड्स वर गिवन टू फीजेंट एंड एग्रीकल्चर्स वाज इनकरेज्ड, और उन जगहों को, जंगल के उन इलाकों को किसानों और कृषकों को दे दिया गया ताकि वो अपना खेती वगैरह कर सके। नए किले बनाए गए, नई सैन्य छावनियाँ बनाई गई और नए नए टाउन एस्टेब्लिश किए गए। इसके साथ साथ जो ट्रेड रूट्स थे, यानी जिनके थ्रू राजा का व्यापार या शासन का व्यापार चलता था, उन रास्तों को भी प्रमोट किया गया, उन रास्तों को भी। साथ ही साथ जो रीजनल ट्रेड था, अर्थात जो क्षेत्रीय व्यापार था, जो आसपास के जो व्यापारी थे, उनको भी बढ़ावा दिया गया। इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड एक्सपेंसेस, इट वॉज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। अगर दूसरे एक्सपेंशन की बात करें, दूसरे विस्तार की बात करें, तो उसमें जो दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमाएं थीं या बाहरी जो उससे जो बाहर के जो क्षेत्र थे उसके ऊपर सल्तनत ने अपना कंट्रोल करना शुरू किया। एंड फॉर दैट मिलिट्री एक्सपीडिशंस इनटू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड। और फिर क्या हुआ कि बाहरी क्षेत्रों पर कंट्रोल करने के लिए जो उस समय के जो सुल्तान थे, मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने क्या किया कि स्टार्टेड मिलिट्री कैंपेन, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाना शुरू कर दिया एंड कल्मिनेटेड विद द मोहम्मद तुगलक। और मोहम्मद तुगलक के समापन के बाद वो उनके उस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल कर लिया। इन द कैंपेन सुल्तान आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रीसियस मेटल्स। इस कैंपेन में, इस अभियान में सुल्तान की सेना ने हाथियों पर, घोड़ों और गुलामों को अपने कब्जे में ले लिया और बहुत सारे जो कीमती धातु के सामग्रियां थी उनको भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अब बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन, और जब मोहम्मद तुगलक शासन समाप्त हो गया, After 150 years, after somewhat humble beginning, the armies of the Delhi Sultan had marched across a large part of the subcontinent. उसके 150 वर्ष के आसपास तक जो जो दिल्ली सल्तनत की जो आर्मी थी, उसने एक बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। They had defeated rival armies and seized cities. इन्होंने क्या किया कि अपने जो rival, यानी जो शत्रु सेना थी या जो राजा थे, उनको समाप्त कर दिया और उनके शहरों पर कब्जे कर लिए। सल्तनत ने जो लोकल जो किसान थे या जो गरीब लोग थे उनसे टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू कर दिया एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रियलम, और अपने क्षेत्र में न्याय का वितरण कर दिया। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। क्वेश्चन ये है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो इतने विशाल और इतने बड़े महाद्वीप पर जो कंट्रोल था, वो कितना प्रभावशाली और कितना पूर्ण था।
तो आइए अब आप आगे बढ़ते हैं। हियर लुक द मैप, दिस मैप शोज द अलाउद्दीन खिलजीज कैंपेन इन टू साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में जो अलाउद्दीन खिलजी ने कैंपेन किया उसका आप देखें, दिल्ली से कैंपेन स्टार्ट हुआ है, गुजरात, चित्तौड़, रणथंबोर, इसके अलावा मांडू, फिर आपका देवागिरी, अलग अलग एरियाज में इसका कैंपेन बढ़ता गया। यहाँ पर आप देखेंगे द्वार समुद्रा, मदुरई, होयासलास, तो ये कुछ इलाके थे इधर बंगाल और वारंगल तक जो था, काकतीय साम्राज्य तक इन्होंने अपना जो कैंपेन था वो चलाया था। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। लुक द सम कंस्ट्रक्शनल वर्क डन बाई दिज दिल्ली सुल्तान्स, वी विल सी अबाउट देम। नाउ लुक, दिस इज द फिगर नंबर सेकेंड, ठीक है, इन विच यू कैन सी द मॉस्क्यू। मॉस्क्यू इज द होली प्लेस ऑफ मुस्लिम्स वेयर दे वर्शिप। मॉस्क्यू इज अ कॉल्ड मस्जिद इन अरेबिक, यानी मॉस्क्यू जो है इंग्लिश वर्ड है और इसको अरेबिक में मस्जिद कहते हैं। लिटरली अ प्लेस वेयर मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रिवरेंस टू अल्लाह, यानी जहाँ पर जो मुसलमान होते हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं। ठीक है, इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू, मस्जिद जामी और जामा मस्जिद, ये एक ऐसी मस्जिद होती है जहाँ सभी मुसलमान नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं और या जमा होते हैं, तो इसीलिए इसको जामा मस्जिद भी कहते हैं। मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर नमाज टुगेदर, जो मुस्लिम जो प्रेयर करते हैं, जो पूजा पाठ अपना करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो उसको नमाज बोलते हैं। ठीक है, एंड मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न मेल एज देयर लीडर। इनमें से इन सभी जो नमाजी लोग होते हैं, इन सभी नमाजी लोगों में जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे विद्वान व्यक्ति होता है उसको ये लोग अपने लीडर या अपने नेता के रूप में यानी चुनते हैं, जिसको इमाम बोलते हैं। और इमाम जो है इनको क्या करता है, जो भी इनके रिचुअल्स होते हैं पूजा पाठ के, प्रेयर के, वो बताता है। ही आल्सो डिलीवर्स द सर्मन खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। इतना ही नहीं, प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार के दिन इनकी जुमे की नमाज होती है और उस जुमे की नमाज के दिन वो जो इनका इमाम होता है वो इनके धर्म का संदेश देता है, जिसको कि खुतबा बोलते हैं। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, और जब मुस्लिम जो प्रेयर करते हैं, जब नमाज करते हैं, तो नमाज करने के समय इनका जो फेस होता है, इनका जो चेहरा होता है वो पश्चिम की ओर होता है, यानी जिधर मक्का है, यानी जिसको मक्का बोलते हैं। इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट, टू द वेस्ट, और भारत में यह दिशा पश्चिम की ओर है, दिस इज कॉल्ड किबला। और पश्चिम की ही दिशा को मुसलमान जो है भारत के वो किबला बोलते हैं। किबला जो है वो पश्चिम की ओर मुंह करके और मक्का की ओर मुंह करके वो नमाज अदा करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर ये तमाम जो मस्जिद आप देख पा रहे हैं, ये मस्जिद 12th century की मस्जिद है और इसको दिल्ली कोहला में बनवाया गया है। अब आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और बेगमपुरी मस्जिद, ये भी एक मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बनी हुई मस्जिद है। इसमें आप इसकी सेंचुरी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब आइए अब और आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स अनदर मॉस्क्यू की बात करें, दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मॉस्क्यूज इन सिटी ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट, यानी जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने पूरे महाद्वीप में अलग अलग जगहों पर तमाम मस्जिदों को बनवा दिया। और इसको बनवाने के पीछे उनका जो रीजन था, उनका जो कारण था, वो ये था कि दे वांटेड टू डेमोस्ट्रेट देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। वो बताना चाहते थे कि वो इस्लाम और मुस्लिम्स के कितने बड़े संरक्षक हैं,
जो उनको उनकी रक्षा के लिए इन्होंने ये सब कर बनाया है। मस्कुज ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड कोड ऑफ कंडक्ट। और इतना ही नहीं, मस्जिद जो है वो लोगों को बताती हैं, वो मुसलमानों को बताती हैं कि किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। इट वॉज नेसेसरी टू रिइंफोर्स दिस आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम केम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड। और ये इतना ही नहीं, ये विचार उनके एक समुदाय के रूप में उनको जोड़ने को वो क्या करती है, वो सिखाती है, इसलिए क्योंकि मुसलमान जो होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग पृष्ठभूमि से वो आते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये आज का टॉपिक जो है समाप्त हुआ। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय, टेक केयर।